गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कल आप लोग क्लास में इलेक्ट्रोस्टेट्स जो है लिखाए थे और लिखाते लिखाते नोट नंबर 3 तक पहुंच चुके हैं। आज नोट नंबर 4 जो है आपका पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोग घर पर बैठकर लिखते होंगे, कॉपी में नोट करते होंगे, पढ़ते होंगे। मेरा काम है आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं। आज का क्लास है नोट नंबर 4। कल 3 तक हो गया था जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो छड़ विरावेशित एवं खाल क्या रहता है घनावेशित हो जाता है। मेरा आपका नोट नंबर 4। नोट 3 तो हो गया, क्यों होता है आपको लेक्चर का सब बताएं समझाएं। ये नोट नंबर 4 को जो है आप लोग हेडिंग कीजिए, लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। हिंदी बोलते हैं आवेश के गुण। उम्मीद है कि आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी। ये एग्जाम में आता है कि आवेश के मुख्य दो गुणों को लिखें। हम पास दिखा देते हैं, जो आपको तो अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी है इसका समान आवेश, बोलते हैं सेम लाइक चार्ज। एक दूसरे को समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं रिपल्सन करते हैं। ये बोलते हैं प्रतिकर्षित करते हैं या विकर्षित करते हैं। इसका पहला प्रॉपर्टी है कि समान आवेश दूसरे क्या करते हैं रिपल्सन करते हैं। अर्थात जहां प्लस प्लस आवेश होंगे उन दोनों आवेशों के बीच क्या होगा रिपल्सन का गुण होगा, प्रतिकर्षण करेंगे दूसरे को विकर्षित करेंगे। इसका दूसरा प्रॉपर्टी है असमान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं अट्रैक्शन करते हैं। अट्रैक्शन
सकते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी है कि असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी है आवेश हमेशा संरक्षित रहता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही आवेश का विनाश किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। इस प्रकार के सिद्धांत को आवेश संरक्षण के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसलिए आवेश क्या होते हैं, हमेशा संरक्षित होते हैं, अर्थात इसका ना विनाश किया जा सकता है, ना इसका निर्माण किया जा सकता है। प्रॉपर्टी नंबर चार है आवेशों में क्वांटिजेशन आवेशों में क्वांटिजेशन को बोलते हैं हिंदी में क्वांटिमीकरण। नेक्स्ट टॉपिक यही है, जब पढ़ाएंगे तो दिखा देते हैं क्वांटिमीकरण क्या है। आवेशों में क्वांटिजेशन के गुण पाए जाते हैं, के गुण पाए जाते हैं। ये रहा आपका प्रॉपर्टी नंबर चार। इसका पांचवा प्रॉपर्टी है आवेशों में युगात्मक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडिटिव, युगात्मक गुण पाए जाते हैं। ये रहे आपके आवेश के पांच प्रॉपर्टी। आपको एग्जाम में जो भी दो आता है आप लिख सकते हैं, पांच लिखा दिए हैं, दो ही आता है, पांच नहीं आता है, दो आप जो चाहे लिख सकते हैं। पहला प्रॉपर्टी पर लिखे पढ़ देते हैं, समान आवेश एक दूसरे को रिपल्शन करते हैं और समान आवेश एक दूसरे को अट्रैक्शन करते हैं। आवेश हमेशा सुरक्षित रहता है, आवेशों में क्वांटिजेशन के गुण पाए जाते हैं। क्वांटिजेशन क्या, अभी नेक्स्ट टॉपिक खड़ी कर रहे हैं वही है, आपको वहां पर परिभाषा लिखाते हैं क्वांटिजेशन की परिभाषा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आवेशों में युगात्मक के गुण पाए जाते हैं, अर्थात जुड़ने का गुण पाया जाता है, एडिटिव प्रॉपर्टी पाया जाता है। ये है आपके आवेश के पांच प्रॉपर्टी। लेक्चर क्लास में समझा भी चुके हैं, अब यहाँ केवल लिखा रहे हैं ताकि आप कॉपी में नोट करो, इसको लिख सको, इसको लिखना है तो लिखिए। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है एक कूलम आवेश की परिभाषा लिखें। एक कूलम आवेश की परिभाषा लिखें। तो इसके कई प्रमुख परिभाषा है, थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है उसको लिखाते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू द पावर 18, 6.25×10^18 18 इलेक्ट्रॉन पर
जितना आवेश पाया जाता है वह एक कूलम्ब आवेश कहलाता है। यह आपके एक कूलम्ब आवेश की परिभाषा। या आप ऐसे बोल सकते हैं कि यदि किसी परिपथ में प्रति सेकेंड 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो तो चालक से प्रवाहित आवेश 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। तो वह 9th-10th का डिफरेंशियल है। आप इसको लिख सकते हो कि 1 कूलम्ब आवेश की परिभाषा 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता पाया जाता है या होता है वह 1 कूलम्ब आवेश कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि 1 कूलम्ब आवेश में जो होता है वह 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये रहा आपका 1 कूलम्ब आवेश की परिभाषा। इसी में आता है नेक्स्ट टॉपिक कि 1 कूलम्ब में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मान परिकलित करें। कैसे आता है फाइंड आउट करना, निकालना है। देखिए निकालते हैं। एग्जाम में पूछा भी गया दो नंबर में कि 1 कूलम्ब आवेश में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मान ज्ञात करें। तो इसको कैसे बनाएंगे, ऐसे आता है 1 कूलम्ब आवेश में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मान कैसे होते हैं, इसका मान ज्ञात करें, चाहे परिकलित करें या ज्ञात करें बात। ये आपके दो नंबर में एग्जाम में आया भी है कि 1 कूलम्ब आवेश में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसका मान ज्ञात करें। कैसे निकालेंगे इसका शोषण, देखिए ऐसे बनाएंगे इसको। आप जानते हो कि 1.6 गुना या ऐसे बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है 1.6×10^-19 कूलम्ब आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इसीलिए एक कूलम्ब पर कितना हो जाएगा, तो 1 कूलम्ब बराबर हो जाएगा 1/6×10^-19। अब इसको ऊपर चलिए, यह माइनस 19 है, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यहां से दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 16, और यह 19 है तो क्या हो जाएगा प्लस 19 हो जाएगा, माइनस है ऊपर गया तो प्लस। अब यहां से 10 ले लेंगे, यहां ये हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा 16, और यहां हो जाएगा 10^18। इसे काटिए 16 से, 16×96 4 40, 16×32 8 80, 16×5 80, ये हो गया आपका 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन गिरा आपका आंसर। ये मान आपका परिकलित हो गया कि 1 कूलम्ब आवेश में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कैसे,
तो ये रहा इसका हल, इसका आंसर। आप चाहो तो बोर्ड पर से लिख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टॉपिक आ गया आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। हिंदी बोलते हैं आवेश संरक्षण का नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या है आवेश संरक्षण सिद्धांत? तो बताए थे, अब आज लिख रहे हैं, आप बोर्ड पर से देख के लिखिए। इसका दो दो परिभाषा है, दोनों लिखा देते हैं। आवेश न तो उत्पन्न होता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही इसका विनाश किया जा सकता है। यह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। आवेश न तो उत्पन्न होता है और ना ही इसका विनाश किया सकता है या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में स्थानांतरित होता है। तो इसे आवेश
संरक्षण का सिद्धांत या करके इसका और प्रश्न लिख सकते हैं। इसका दूसरा परिभाषा होता है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में आइसोलेटेड को हिंदी बोलते हैं विलगित निकाय। क्या बोलते हैं? विलगित निकाय। बताया गया आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में कि आइसोलेटेड सिस्टम किसे कहते हैं? किसी आइसोलेटेड सिस्टम में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है। इसे ही देखिए दिखाई दे रही है स्टेप। हेलो दिखाई दे रहा क्या? और नीचे तो लगा सकते हैं एक लेन और। इसे ही संरक्षण का सिद्धांत इसमें एक और लाइन लिख सकते हैं। इसी कारण परमाणु उदासी होता है। ये रहा आपका प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है। दो दो परिभाषा लिखा गया है, आप या करके या आत्मा करके दोनों में से कोई लिख सकते हैं। एक बार सू से रिकेट पढ़ लेते हैं, बोल देते हैं आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही आवेश विनाश किया जा सकता है, या एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, या एक वस्तु से दूसरे वस्तु में अस्थान्तरित होता है। इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। या दूसरा परिभाषा है किसी आइसोलेटेड सिस्टम में इट मीन्स विलगित निकाय में कुल आवेशों का बीजगणितीय योग हमेशा शून्य होता है, इसे ही आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी कारण क्या होता है? परमाणु उदासीन होता है। ये रहा आपके आवेश संरक्षण का सिद्धांत, आप इसको नोट कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं।
टॉपिक है क्वांटी जेसन ऑफ चार्ज, हिंदी बोलते हैं आवेश का क्वांटिटी में कर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी गया है क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी बोलते क्यू यू लिखे क्यू यू ए टी आई जेड ए टी आई यू एन क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, हिंदी बोलते हैं आवेशों का क्वांटिटीकरण। क्या है आवेशों का क्वांटिटीकरण, इसकी परिभाषा हो जाएगा कि आवेशों की मात्रा, आवेशों की मात्रा सतत पैकेट फाइनाइट पैकेट सतत पैकेट के रूप में ना होकर असतत पैकेट और सतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना आवेशों का क्वांटिटीकरण कहलाता है। ये रहा आपका क्वांटिटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटिटीकरण क्या है, आवेशों की मात्रा सतत पैकेट पर बोलते हैं फाइनाइट पैकेट के रूप में न होकर इनफाइनाइट असतत पैकेट के रूप में उपस्थित होना आवेशों का क्वांटिटीकरण कहलाता है। ये सिंपल परिभाषा है, इसका एक और परिभाषा है इसको मिटका रहे हैं, दूसरा परिभाषा इसका लिख रहे हैं है, या करके याद करके लिखिएगा अथवा करके याद करके लिख सकते हैं। दूसरा परिभाषा क्या है, तो वह गुण ऐसे लिखिए आवेशों का वह गुण जो यह बतलाता है कि आवेशों का वह गुण जो यह बतलाता है कि किसी वस्तु में आवेशों का वह गुण जो यह बतलाता है कि किसी वस्तु में आवेशों की मात्रा
आवेशों की मात्रा का मान मूल आवेशों के पूर्णांक के गुणज होते हैं वह आवेशों का वाष्पीकरण कहलाता है। ये रहा इसका दूसरा परिभाषा। एक पहले लिखा है, एक दूसरा लिखा है। ये क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज आवेशों का क्वांटिफिकेशन। आवेशों का वह गुण जो यह बतलाता है कि किसी वस्तु में आवेशों की मात्रा का मान मूल आवेशों के पूर्णांक के गुणज होते हैं, तो वह आवेशों का क्वांटिफिकेशन कहलाता है। अर्थात हम बोल सकते हैं Q बराबर प्लस माइनस N इंटू E, जहाँ Q क्या है चार्ज है, N क्या है नंबर है, और E क्या है एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश है। Q को क्या बोलते हैं, चार्ज। N क्या बोलते हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बोलते हैं, चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन। ये रहा आपका आवेशों का पॉइंट में। इसको फिर नीचे दिखाई दे रहा है, नीचे वाला स्टेप सब क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए। बता रहे हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फोर्स। हिंदी बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं, विद्युत बल। पूछे इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, तो बोलिएगा। बोर्ड पर देखिए आंसर इसका क्या हो जाएगा। दो
सजातीय आवेश, दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं दो विजातीय आवेश, दो समान आवेश, विजातीय अर्थात दो और समान आवेश, दो विजातीय आवेश दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, तो आवेशों के बीच कार्यरत बल इलेक्ट्रिक फोर्स है। तो ये रहे आपके इलेक्ट्रिक फोर्स की परिभाषा। दो सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं एवं दो विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो आवेश के बीच कार्यरत बल को यहाँ पर को लिख लीजिएगा, तो ठीक है, बीच कार्यरत बल इलेक्ट्रिक फोर्स कहलाता है। ये कुलम साहब ने बताया था कि जो दो सजातीय आवेश उसे क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं एवं दो विजातीय आवेश उसे को आकर्षित करते हैं, तो उस समय उन दोनों आवेशों के बीच एक बल कार्यरत होता है, तो वह बल इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका है, यहां तक आपका हो गया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका हेडिंग करते हैं, या टाइम हो गया तो आज नहीं हो सकता है, एक मिनट आपका आज क्लास टाइम हो गया है, टाइम हो जाने के कारण जो है क्लास को पोस्टपोन किया जाता है, कल पढ़ाएंगे आप लोग को। नेक्स्ट टॉपिक है कल का कुलम्स लॉ, काफी इम्पोर्टेंट है, तो इसको लिखिए कॉपी में, उसको छापिए, और कल से पढ़ाते हैं कुलम्स लॉ। आज इतना ही, ऑल द बेस्ट।